हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बेबी एप्पल कट फ्रॉक की कटिंग सिखाने वाली हूँ। इसके लिए पहले हम ऊपर का पार्ट फ्रॉक का कटिंग करेंगे और उसके बाद नीचे के पार्ट की कटिंग मैं आपको बताऊँगी। इसके लिए हमने ये देखिए 10.5 इंच जो है इसकी लंबाई ली है और 7 इंच इसकी चौड़ाई ली है। आप ये कम भी कम ज़्यादा भी ले सकते हो, जितनी आपने लेनी है बेबी के अकॉर्डिंग। अगर छोटा है बेबी तो आप कम रख सकते हो, अगर आपने ज़्यादा रखनी है तो आप यहाँ से ज़्यादा रख सकते हो इसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों। सबसे पहले हमने यहाँ से तीरा नापना है। ये मैं आपको 1.5 से 2 साल के बच्चे के लिए फ्रॉक की कटिंग बता रही हूँ। ये तीरा हमने 4 इंच रखा है यहाँ से और इसके बाद हम यहाँ से आर्म होल की काट रखेंगे। आर्म होल के लिए हमने यहाँ से 4 इंच लिया है, 4 इंच ही तीरा लिया हमने, 4 इंच ही ये जो आर्म होल की लेंथ है वो रखी है हमने। इस तरह से हमने यहाँ पे बॉक्स बना लेना है पहले, उसके बाद यहाँ से हमने फिटिंग का रखना है। फिटिंग के लिए हम 6 इंच ले रहे हैं और उसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 5 इंच रख रहे हैं। इसकी जितनी भी हमने फिटिंग लेनी है उसका हम 1/4 रखते हैं, जितनी भी हमें फिटिंग चाहिए यहाँ से 1/4 लेके फिर उसका ये निशान लगाया है हमने। इस तरह से मिला देंगे हम इसको। ये हमारा फिटिंग का निशान हो गया है। इसके बाद हमने यहाँ से आर्म होल की काट डालनी है। आर्म होल की काट हम 1 इंच की डालेंगे, यहाँ से 1 इंच रखेंगे पहले यहाँ से। अभी हम यहाँ से काट डालेंगे इसकी। उसके बाद हमने यहाँ से नेक रखना है। ये हमने 1 इंच की काट आगे और पीछे दोनों वाले जो पल्ले हैं उसमें डाली है, क्योंकि बेबी फ्रॉक के लिए हमें जो आगे की काट है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमने एक साथ ही दोनों की काट जो है वो डाल दी है। अभी हम यहाँ से नेक रखेंगे 1.25 इंच के ऊपर। हम इसकी चौड़ाई रखेंगे और जो फ्रंट का इसका नेक है उसकी लेंथ हम 3.5 इंच रखेंगे। ये आगे के पल्ला जो उसमें हमने काट डालनी है और यहाँ से 1/2 इंच की हम इस तरह से गोलाई दे देंगे। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से मार्जिन छोड़ के आपने कपड़े का फिर कटिंग कर लेनी है एक्स्ट्रा कपड़े की। यहाँ से 1 इंच का आप मार्जिन छोड़ सकते हो। अभी हम आर्म होल की काट डालेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम आगे और पीछे की दोनों की सेम डाल रही हैं काट जी। और यहाँ से नेक की कटिंग करने से पहले हम जो इसकी बैक साइड है पहले वो निकाल देंगे, उसके बाद हम इसके फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। ये फ्रंट साइड के नेक की कटिंग हो गई है हमारी इस तरह से। अभी है आपको बैक साइड की कटिंग करके बताऊंगी। पहले हम ऊपर से यहाँ से 1.5 इंच की गोलाई दे देंगे, यहाँ पे 1.25 इंच का निशान लगा के।
हमने 1.5 इंच की इसकी गोलाई देनी है। इसके बाद सेंटर में हमने कट लगा देना है इसके, इसका सेंटर रखें। कपड़े को पहले आप इस तरह से फोल्ड कर लें और सेंटर पे एक निशान दें, उसके बाद ही आपने इसकी सेंटर की कटिंग करनी है। यहाँ से हम इस तरह से सेंटर से अलग कर देंगे, क्योंकि ये बैक साइड की जहाँ पे हमने पट्टी लगानी है, जहाँ पे आप जिप भी लगा सकते हो, पट्टी लगाकर बटन भी लगा सकते हो, या फिर आप हुक के साथ भी इसको तैयार कर सकती हो। इसके बाद हम इसके नीचे की साइड जो है उसकी कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने इसकी चौड़ाई जो है 11 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो हमारे पास 13.5 इंच है। तो आपको इससे थोड़ी ज़्यादा लेनी होगी, आप 15 इंच इसकी जो है लंबाई ले सकते हो, और चौड़ाई भी आपको थोड़ी ज़्यादा लेनी होगी इसकी, क्योंकि इसमें प्लेट्स डालनी होती है हमने। तो इसकी मैं आपको ड्राफ्टिंग समझा रही हूँ, इसलिए आप कपड़े के लिए आप थोड़ा कपड़ा ज़्यादा लें, उसके बाद ही उसकी कटिंग करें। हमने इस तरह से आप कपड़े को फोल्ड कर लेना है, पहले डबल फोल्ड किया है हमने, उसके बाद एक फोल्ड और कर लेना है, और यहाँ से आपने तिरछा निशान लगाना है इस तरह से, जो हम 3.5 इंच के ऊपर यहाँ से पहले इस तरह से मार्क कर लें आप, उसके बाद 3.5 इंच के ऊपर यहाँ से आपने गोलाई देनी है। अच्छे से यहाँ से गुलाई देनी है आपने पहले। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस साइड पे यहाँ पे प्लेट्स डालते हैं हम, यहाँ पे प्लेट्स डाल देंगे हम, और ये हमारा जो ऊपर का पार्ट है फ्रॉक का वो बनकर तैयार हो जाएगा। और ये इसकी जो नीचे की साइड है जहाँ पे हम प्लेट्स डाल देंगे इस तरह से, तो बिल्कुल इसके नाप का पहले नाप के जितना भी, जैसे ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसमें सारे में प्लेट्स डालेंगे,